नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि मामला उन्नाव के थाना आंचलगंज के आटा बंथर क्षेत्र का है, जहां दबंगों पर पूर्व में युवक द्वारा लिखाए गए मुकदमे में सुलह का दबाव बनाने के लिए जानलेवा हमला किया गया है। आपको बता दें कि युवक को रास्ते में रोककर पहले से घात लगाए दबंग बैठे थे। उन्होंने युवक को जाते वक्त लहू लुहान कर दिया। जानकारी के मुताबिक युवक का ये भी आरोप है कि उसे तेजाब से युवक का हाथ जलाया गया है और चाकू से पेट पर वार करने की भी युवक द्वारा जानकारी दी गई है। युवक की हालात नाजुक देखकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि किसी तरह की कोई सुनवाई अचलगंज थाने की पुलिस नहीं कर रही है। आहत होकर पीड़ित के परिजनों ने कप्तान से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। कप्तान ने पीड़ित पक्ष से मिलकर कार्रवाई सुनिश्चित कराने का आश्वासन दिया है। देखते रहिए खास रिपोर्ट शिवशंकर प्रजापति की एक्सेस भारत न्यूज पर। कहाँ के रहने वाले? क्या घटना हुई? घटना वहाँ पर थाने से होकर आ रहे थे दोबारा, फिर वहाँ से इनको फिर गाड़ा लगाया। किसने? अजीत राम और जितेंद्र। किस बात को लेकर? पहले को मारा, फिर दोबारा हमको तुम रिपोर्ट करने में लगे। पहले कोई विवाद था? कोई विवाद नहीं था। पहले अजीत पे और आपके ऊपर सुलह का दबाव बना रहे थे? जी हाँ। पुलिस को एप्लीकेशन दी थी? जी। पुलिस ने अभी तक क्या सुनवाई की? आप पुलिस उल्टा बोल रहे कि तुम अपने आप में इतने छाले पड़े हैं, जला हुआ है।